चैट्स देखो, डिड गॉड लाइक अर्न मोर देन सोल फ्रॉम इट्स स्पॉन्सर। भाई देखो यार, हमें नहीं पता वो कितना अर्न करते हैं, क्या है क्या नहीं, बट फिलहाल तो हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बस इतना बोलूँगा कि लाइक फास्ट 6-7 मंथ से हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स हो या बाकी की चीज़ें हो, व्यूअरशिप एंड ऑल। अभी स्पोर्ट्स में भी टीम ने भी अच्छा किया, 3 साल से क्वालिफाई नहीं हो रहे थे बट अभी क्वालिफाई हुए अपन। और मतलब हाँ, हमारा जो है ना, हमारे जो प्लान्स हैं ना, जैसे कि एक होता है ना कि फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से, तो बिल्कुल हम ट्रैक पे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लेफ्ट राइट चीज़ें या कुछ ऐसा, बिल्कुल ट्रैक पे है अपन। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें होती है ऊपर नीचे, लाइक मतलब होता है यार, बहुत बार देखो आपने देखा होगा कि यार प्लेयर गुस्सा होते हैं, फिर बायो से हटा देते हैं, ये वो, तो यार वो कभी कभी किसी को नहीं कुछ समझ आता तो कर देते हैं चीज़ें, अभी क्या कर सकते हैं उसमें। कभी कभी टीम में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो सबसे पहले मुझे तो सबसे बुरी चीज़ यही लगती है अपने गेमिंग इंडस्ट्री में, कुछ हो गया सीधा अनफॉलो करो, बायो हटाओ, ये करो वो करो, बट कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है चीज़ें सॉर्ट, 1-2 घंटे की बात होती है फिर हो जाती है। न्यू को हेल्प कर, क्राफ्टन को बोलो, अरे वो उस चीज में अपन नहीं कर सकते कुछ, इनवॉल्वमेंट गाइस, वो न्यू ही कर सकता है बात करके। सॉरी, चलो खुदा 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 जंप। एनी न्यू अपकमिंग स्पॉन्सर फॉर होल? और चल रहा है बातचीत, चल रहा है काफी सारे ब्रांड से चल रहा है, तो कोई लॉक होता है तो पता चल जाएगा आपको, बट हाँ मतलब आएगा जरूर, और 1-2 स्पॉन्सर आ सकते हैं। ठीक है, लिखा है जॉनी गाइस, ऐसा कुछ अगर प्लान रहेगा तो वो जॉनी रिवील कर देगा। तुम कार वगैरह का बोल रहे हो तो वेट गाइस, मैं कैसे बोल सकता हूँ उसके सरप्राइज के बारे में, मतलब अगर रहेगा कुछ सरप्राइज तो जॉनी रिवील कर देगा। उसके अलावा वो खेल, वो गाइस थोड़ा चल रहा होगा उसको, कुछ काम वगैरह बिजी रहेगा। न्यूज़ तो दो गॉड लाइक बस गाइस, देखो रिसेंटली ना बहुत सारे क्राफ्टन वगैरह, वो आपने ट्वीट्स वगैरह देखे होंगे, तो गाइस देखो मैं कहता हूँ कि अगर तुम अच्छे से प्लान करोगे और अच्छे चीज़ें करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि सस्टेन करना इतना मुश्किल है मतलब स्पोर्ट्स में। बट हाँ थोड़ा है कि अभी लोग ज़्यादातर पता है ना गॉड लाइक और सोल को ही ज़्यादा ये करते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑर्ग्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से फैन फॉलोइंग बेस बना के रखा हुआ है और उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें मेंटेन करके रखी है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बट यार कॉम्पिटिशन तो हर एक जगह पर होता है, मैं तो मानता हूँ, बस अच्छी अच्छी चीज़ें करो और फोकस करो कॉन्टेंट, लोगों को क्या पसंद आए क्या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो इतना मुश्किल तो नहीं है। बट हाँ अगर मतलब देखा जाए तो गॉडलाइक में भी काफ़ी टाइम ऊपर नीचे चीज़ें हुई है, प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, चाहे किसी भी चीज़ों के रिलेटेड हो, तो लाइक हमने किया है, फेस बहुत कुछ किया है ये तो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप करो, चीज़ें छोड़ दो। और इंडस लाइनअप, यस अरे सब कुछ है गाइस, तुम चिल करो, सब अपन रिवील करेंगे धीरे धीरे। मतलब क्राफ्टन का कोई गलती नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, देखो यार वो उस गेम ने अपने को बनाया है, इतना स्पोर्ट्स वगैरह ग्रो किया है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि काम करनी चाहिए क्राफ्टन ने, और मुझे लग रहा है कि वो कर लेगी यार, क्योंकि बीच बीच में इतने सारे गेम को लेकर प्रॉब्लम्स थे, गेम बैन ये वो चीज़ें, फिर अपना अलग से BGMI आया, तो अगर गेम बैन नहीं होते ना अभी स्पोर्ट्स अलग सीन में होता, बट थोड़ा डैमेज तो हुआ है इंडस्ट्री, बट रिकवरी मोड तो चल ही रहा है ना अभी। देखो व्यूअरशिप देखो कितनी अच्छी आई थी जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें, उसके अलावा और अभी फ्यूचर में उनके प्लान होंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे। 3-4 कंटेंट देखो गाइस, मैं बता रहा हूँ हम कंटेंट क्रिएटर देख रहे हैं मतलब, बट हम ना लाइक ऐसे अभी हम थोड़ा सा अलग लेके चल रहे हैं चीज़ों को, कंटेंट को लेकर, तो वेट करो कुछ कंटेंट क्रिएटर अगर हम साइन करते हैं तो हम अनाउंस करेंगे, बट हाँ चल रहा है कंटेंट क्रिएटर से बात चल रहा है, काफ़ी सारे साइन भी हो गया और 1-2 ब्रांड डील्स में भी डाल दिए उसके नाम। व्हाट अबाउट एकेडमी लाइनअप? देखो गाइस अभी जेली भाई अपना अलग से टीम बना रहे, थोड़ा मतलब बना रहा है वो टीम, होप सो जेली भाई अच्छी टीम बनाए, और जब जली भाई की टीम बनेगी तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइनअप हम रखेंगे नहीं वो तो उनका मतलब एक्स्ट्रा, मतलब हम ऑफिशियली नहीं रहेंगे वो, बट हाँ वो बुट कैम्प यूज़ कर सकते हैं, इधर रह सकते हैं अपना, मतलब अपन सारी चीज़ें दे देंगे उनको, बट ऑफिशियली नहीं, मतलब समझ गए ना तू, जैसे कोई और के बंदे अपने साथ रह रहे हैं जस्ट कि फिर अपन कॉन्टेंट भी बना पाएंगे, थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा। तो देखो यार जेली मेरा भाई जैसा है तो मैं चाहता हूँ जेली हमेशा साथ रहे गॉडलाइक में रहे, तो मैंने उसको बोल दिया है कि जेली भाई आप अपना सिस्टम कर लो और इधर ही रह के टीम को रन करो, क्या कह रहे हो जेली भाई, सही है ना? तो जेली भाई बना रहे टीम, और जेली भाई यार प्लीज़ मुझे अपने टीम का 5th प्लेयर बना देना।